आई थिंक ज़्यादा हो गया लैंडस्लाइड अभी तो, वहाँ से ही पूरा ट्रैफिक है। मौसम ही बहुत ख़राब हो रखा है अभी तो, पता नहीं क्या लगी हुई आग। बेबी बेबी सी पूरा सामान रखा हुआ है खाने पीने का, ये देखो डंडा डंडा रखा हुआ है और चाकू भी, पकौड़े जलेबी भाई 50 रुपए की जलेबी है बताओ। गाइस कैसे हो आप सब लोग, कैसे हो आप सब लोग, मंडी पहुंचने वाले हैं भाई, चढ़ाई तो बहुत तगड़ी है भाई। भाई व्यू चेक करो यार, क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या व्यू आ रहा है भाई, मजा आ गया भाई व्यू देख के, सुकून मिलता है यार, सुकून मतलब भीड़ भाड़ से दूर ऐसे एक जंगलों में जहाँ है छोटा सा घर हो भाई, क्या मजा है लाइफ का यार। मतलब बाहर की दुनिया हमें लगती है बहुत अच्छी कि यार बाहर हो ये हो, लेकिन यार पहाड़ पहाड़ी है यार, मतलब जो शांति है सुकून है मज़ा है यार, मतलब ऐसी लाइफ हमें लगता है कि यार यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, बट अगर यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए लोगों को तो यार मज़ा आ जाएगा यार, मतलब हर कोई यहाँ पे आना चाहेगा फिर। अभी तो लोग सोचते हैं यहाँ पे ये नहीं है यहाँ पे वो नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे सर्विसेज अगर लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाए तो एकदम वाओ। चेक करो यार क्या व्यू है यार, सच्ची में मैं कभी सोचता था यार कि यार बाहर बाहर अच्छा लगता है बाहर वो, लेकिन यार कई लोग ऐसे हैं जो अपना अपना इतनी प्यारी ज़मीन इतनी प्यारी जगह छोड़ के कहाँ शहरों में बसे हुए हैं। घर देखो यार लोगों के, मतलब चाहे छोटा सा घर है बट यार घर है, बहुत प्यारा घर बना रखे हैं लोगों ने, इतने छोटे प्यारे प्यारे से घर। और यहाँ पे आजकल देख रहा हूँ मैं काफ़ी सर्विसेज यहाँ पे आ चुकी हैं, यहाँ पे हर चीज़ पेट्रोल पंप ए टू जेड सारी सर्विसेज मिलेंगी। सुबह उठो यार गर्मा गर्म चाय हाथ में हो, अलग ही मज़ा है। तो गाइस फाइनली जलेबी आ गई है, ये क्या है इसमें, क्या है पकौड़े, पकौड़े जलेबी भाई 50 रुपए की जलेबी है बताओ, मजा आ गया भाई गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी और सामने डोमिनोज भी मिल गया हमें, यस। सो फाइनली हम जलेबी एंजॉय कर रहे हैं और आपको दिख रहा होगा शीशों में पानी, सो यहाँ बारिश भी हो रही है। मजा आ गया। हेलो गाइस, अभी जस्ट हम पहुँचे हैं अभी जस्ट रास्ते में, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा अभी जाम लगा हुआ है, देख रहा से लैंडस्लाइड हुई है तो पूरा ट्रैफिक ही लगा हुआ है, देख रहे दूर दूर तक ट्रैफिक। तो कह रहे हैं अभी आधा घंटा लगेगा अभी जस्ट यहाँ पे निकलने में, ये मनाली से पहले पहले जस्ट अभी 15 मिनट पहले हुई है लैंडस्लाइड, सारे के सारे रुके हुए हैं। ऊपर देखो कितना अच्छा व्यू हो रखा है, बादल ही बादल। हम तो भाई बीचों बीच खड़े हैं पहाड़ पे, एक पत्थर पे गिर गया ना ऊपर से नीचे तो भाई सर पे गिरेगा सीधा। क्या बना रही है तू, रील बना रही है, फिर सर के ऊपर से पत्थर गिरेगा सर पे सीधा नीचे आगे गिरेगी रील लेके। अभी टाइम कितना लगेगा कुछ पता ही नहीं है, आई थिंक ज़्यादा हो गया लैंडस्लाइड अभी, देखते हैं ट्रैफिक ज़्यादा ही लगा हुआ है, बहुत दूर दूर तक ट्रैफिक है, मौसम ही बहुत ख़राब हो रखा है अभी मेरे ख्याल से, शायद अभी और बारिश हो सकती है क्योंकि बारिश अभी हुई थी कुछ टाइम पहले, इसके बाद दोबारा हुई, लेट्स सी देखते हैं। तो भाई यहाँ पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, इनको पता नहीं क्या लगी हुई आग, ये सब आगे भाग रहे हैं। ऊपर तो भाई मस्त स्नोफॉल हो रही है आई थिंक, ऊपर के बादल देखो भाई क्या लग रहा है भाई व्यू सेक्सी। ये भी थक गई है यहाँ पे बैठ के, थक गई है, चले प्रियंका हम भी चले चलते हैं। बेबी 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 वो देखते हैं यहाँ पे, पूरा सामान रखा हुआ है खाने पीने का, डंडा ये देखो डंडा डंडा रखा हुआ है और चाकू भी, फालतू बोले काट डालने का सीधा।
काम धंधा है नहीं भाई, अब आगे जाके लोगों को परेशान करेंगे, पूरा भीड़ भीड़ लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और, क्योंकि भूख लग गई है। एक कब खुलेगा, लेट हो जाएंगे हिसाब से, तो टाइम भी काफ़ी हो गया। सो गाइस देख रहे हो आप इतनी ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, इधर से पूरा उधर भाई पूरा ट्रैफिक है, यहाँ से भी नहीं है, वहाँ लोग तो डांस करने लगे हुए हैं अपना भाई, बोल लेते हो तो साइड से ना, वहाँ से नीचे पहाड़ गिर गया होगा आते ही, लेट्स सी, टाइम लगेगा इसमें बहुत अभी। सो गाइस कितना जोरों शोर से काम चल रहा है हिमाचल में, और भाई लैंडस्लाइड भी काफ़ी ज़्यादा हुई है यहाँ पे। अभी हम जस्ट रिसेंटली है, जस्ट अभी हम पीछे रुके थे तो एक घंटा, वो अभी क्लियर हुआ, तो अभी तक मतलब काम ही चल रहा है यहाँ पे। तो इतना अभी हम यहाँ से एटलो मान के चलो कि हमें 2.5 से 3 घंटा और लगेगा, अभी 3 घंटे का सफ़र हो रहा है अभी पहाड़ों का। आप देख रहे होंगे कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मंदिर दिखाता हूँ, जस्ट एक मंदिर आने वाला है अभी, इतना दूर का मंदिर है बट ना बहुत प्यारा लग रहा है, दिखाता हूँ। वो देखो कितना प्यारा लग रहा है, बीच में एकदम सेंटर में बना हुआ मंदिर मिलेगी हिमाचल में, इसको हम कहते हैं देवभूमि। तो आप देखो कितना प्यारा मंदिर है, देखो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया देख के भी। पूरे पहाड़ भाई खतरनाक, पानी पानी पानी, ये देखो पानी पानी पानी, पूरा पानी पानी, ये देखो पूरा पानी, फक आराम से भाई, जगह भी तो नहीं है भाई बिल्कुल भी, थोड़ी सी जगह है और पानी ऐसे जा रहा है, पूछो डर तो लगता ही है भाई। ये कहिए कि देखिए कहाँ रुक रही है, पेड़ के ऊपर पत्थरों के बीच में, पागल यहाँ से लोग भागते हैं, यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे। ये देखो गाइस पूरा काम चल रहा है आगे तक, पूरा रोड में मैंने ये देखना पूरा पूरा ब्रिज बना दिया भाई इन्होंने तो, पहाड़ में कभी, मैं फर्स्ट टाइम मतलब देख रहा हूँ तो ऐसा, फर्स्ट टाइम, काफी बढ़िया बना रखा है, आई थिंक मंदिर ही बना दिया भाई। ये बस भी भाई हरियाणा से आई है, पर टूरिस्ट की बस एकदम फुल। चलो भाई ओवरटेक करने का टाइम आ गया, नहीं आया सॉरी, ओवरटेक हम ऐसे नहीं करते हैं, पता कैसे करते हैं, गेयर डाउन करो, ये मारो क्लच, ये मारो ओवरटेक, यस आजा भाई, मतलब कि ओवरटेक करा तो मैं भी ओवरटेक कर लेता हूँ, ऐसा मत करो, ओवरटेक करना है ना तो भाई देख लो कि तुम जा सकते हो कि नहीं, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि कुछ भी अगर तुम ओवरटेकिंग कर रहे हो तो एक्सीडेंट, इस केस में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो इसीलिए ऐसे काम बिल्कुल मत करना, उसको देख के ओवरटेक करना। ये गाइस आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि हम और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। चलो बाय।